सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाए ताकि आप अगली वीडियो घंटा न मिस कर पाए। आखिर IRCTC साइट लोअर की सीट ट्रैवल करने के लिए क्यों नहीं देती है, चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट कमाने के लिए IRCTC जो है साइट लोअर की सीट नहीं देती है। अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई यार IRCTC साइट लोअर की सीट न देकर कैसे प्रॉफिट कमाएगी, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति है, मैं आपका एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए आप यहाँ पर IRCTC में ट्रैवल करने वाले हैं और आप यहाँ पर केवल साइड लोअर की ही सीट पर ट्रैवल करते हैं, यानी कि आप लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ या अपर बर्थ कोई भी बर्थ मिल जाती है, आप यहाँ पर ट्रैवल नहीं करते हैं, केवल आप साइड लोअर की सीट पर ही ट्रैवल करते हैं। अब मान लीजिए आप यहाँ पर एक टिकट बुक करने गए और वहाँ पर बर्थ रेफरेंस पर साइड लोअर सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जो रिजर्वेशन च्वाइस होता है ना, इस पर जो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है बुक एटलीस्ट वन लोअर बर्थ इज अलॉटेड, इस पर आप नहीं क्लिक करते हैं तो यहीं पर आप गलती कर देते हैं। यदि मान लीजिए यहाँ पर क्लिक किए हैं तो सही है, और यदि यहाँ पर नहीं क्लिक किए हैं तो यहाँ पर गलती कर दिए हैं। अब चलिए यहाँ पर बिना क्लिक किए ही आप यहाँ पर ट्रेन टिकट को बुक कर लेते हैं। बुक करने के बाद में हो सकता है आपको यहाँ पर साइड लोअर सीट मिल जाए, और नहीं भी हो सकता है, आपको यहाँ पर लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ, अपर बर्थ भी मिल सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर लोअर बर्थ आपको मिल गई तो आप क्या करेंगे, आप तो ट्रेन टिकट जो है, जो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं हमेशा साइड लोअर सीट में ट्रैवल करते हैं, और यदि यहीं पर आपको लोअर बर्थ मिल जाए या मिडिल बर्थ या अपर बर्थ मिल गई, तीनों से एक बर्थ मिल गई, तो आप जाहिर सी बात है यहाँ पर आप जर्नी को नहीं करेंगे, ट्रेन टिकट को कैंसिल कर देंगे। तो ऐसे में भाई देखिए, आप ट्रेन टिकट तुरंत बुक किए और तुरंत कैंसिल कर दिए, तो ऐसे में आपका लॉस ही हुआ ना, प्रॉफिट तो आपका हुआ नहीं। अब देखिए आप यहाँ पर तुरंत ही कैंसिल कर देंगे, यदि मान लीजिए स्लीपर की टिकट कैंसिल करते हैं बुक करने के बाद में तो 120 रुपये करता है, और यदि वहीं पर थर्ड AC की टिकट कैंसिल करते हैं तो वहाँ पर 180 रुपीज़ कट जाता है, तो यहाँ पर आपका लॉस हो गया तुरंत ही 120। मान लीजिए स्लीपर की बुक किए, तुरंत ही 120 रुपये आपका कट गया, यहाँ पर ट्रेन टिकट बुक भी नहीं किए, बुक करने के बाद में तुरंत कैंसिल कर दिए, तो अब इसका मतलब यह है कि आपकी ट्रेन में जर्नी नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका लॉस हो गया, प्रॉफिट तो IRCTC वाले का हो गया। यहाँ पर दूसरी बात को हम समझते हैं ना, देखिए कभी कभार क्या होता है कि IRCTC में साइड लोअर की सीट खाली रहती है ना, तब पर भी IRCTC साइड लोअर की सीट नहीं देता है, आखिर क्यों नहीं देता है, तो चलिए यह समझते हैं ना। देखिए सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि जिस ट्रेन में आप ट्रैवल करने वाले हैं उसी ट्रेन में फ्यूचर में RAC पैसेंजर्स भी ट्रैवल करेंगे, यानी कि कुछ लोग ऐसे ट्रैवल करेंगे जिनके पास RAC की टिकट होगा। RAC की टिकट आप तो समझते होंगे, जिनके पास RAC की टिकट रहती है वह एक सीट पर आधे, मतलब कि एक सीट पर दो लोग ट्रैवल करते हैं, यानी कि आपके पास यदि RAC की टिकट है तो आपको साइड लोअर की सीट दी जाएगी और आपको हाफ सीट प्रोवाइड की जाएगी, और दूसरा व्यक्ति आपकी उसी सीट पर ट्रैवल करेगा। अब देखिए गेम यहीं से चेंज होता है, यदि मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये साइड लोअर की सीट है, यदि मान लीजिए IRCTC वाला यही आपको साइड लोअर जो है कंफर्म में दे देता है, तो आपके टिकट का दाम कितना होगा, 650 रुपये होगा। इसी सीट पर जब आपको ट्रैवल करवाएगा तो 650 रुपये आपको लेगा, और यदि मान लीजिए यहाँ पर यह सीट बचा के रखता है और RAC पैसेंजर्स को दे देता है, तो यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बता दिया RAC पैसेंजर को हाफ सीट प्रोवाइड करेगा, यानी कि इसी एक सीट पर दो पैसेंजर को ट्रैवल करवाएगा दो टिकट बेचकर, यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट कैसे कमाएगा। यदि आप इस सीट पर ट्रैवल करते तो आप 650 रुपये पे करते, और यदि यहीं पर RAC पैसेंजर को यह सीट दे दिया है तो यहीं पर दो टिकट का दाम कमा लिया, यहाँ पर 1300 रुपये कमा लिया, एक टिकट का दाम 650 है, तो यहाँ पर दो पैसेंजर को इसी सीट पर ट्रैवल करवा दिया और यहाँ पर दो पैसेंजर से 1300 रुपये कमा लिया, यानी कि अब आपको सीट दे देता तो 650 रुपये कमाया, और यदि आपको यह सीट न देकर RAC को दे दिया तो 1300 रुपये कमा लिया, तो यानी कि यहाँ पर 650 रुपये प्रॉफिट में ही आया ना। इसीलिए यहाँ पर IRCTC जो है साइड लोअर की सीट बचा के रखता है और किसी को साइड लोअर की सीट बहुत ही कमी जन को देता है। तो भाई बस यही मैं आपको बताने वाला था, तो उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर दीजिए, और हाँ कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है जरूर प्रेस कर लीजिएगा।